दोस्तों आज एशिया कप 2023 के सुपर फोर मैच में विराट कोहली और केएल राहुल का आया तूफान। दोनों ही बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। वहीं इस मैच में विराट कोहली ने 3 विश्व रिकॉर्ड बनाए। भारत ने 2 विकेट खोकर 356 रनों का स्कोर खड़ा किया। बताएंगे आपको पूरे मैच की हाइलाइट, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों आज रिजर्व डे पर भारत और पाकिस्तान मैच का कल के स्कोर से आगे शुरू हुआ। कल 24.1 ओवर में भारत ने 147 रन बनाए थे और उसके बाद बारिश आ गई और पूरा मैच ना हो सका और मैच के लिए एक दिन का रिजर्व डे रखा गया और मैच कराया गया। 24.1 ओवर से आगे भारत ने खेलते हुए शुरुआत की। विराट और केएल राहुल ने आगे खेलना शुरू किया और इस कदर कह ढाया कि पाकिस्तान का कोई भी गेंदबाज बच ना सका। दोनों ही बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के गेंदबाजों की इस कदर धुनाई की कि उनको दिन में तारे दिखा दिए। दोनों ही बल्लेबाज अंत तक जमे रहे और दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 233 रन को साझेदारी, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। जहां विराट कोहली ने इस मैच में अपने 13,000 रन वहीं पूरे किया और 47वां शतक भी पूरा किया। विराट कोहली ने 94 गेंदों पर 122 रनों को तूफानी पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के लगाए। वहीं केएल राहुल 6 महीने के बाद वापसी करते हुए शतक जड़ दिया। केएल राहुल ने 106 गेंदों पर 111 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 2 छक्के लगाए। दोनों ही बल्लेबाजों ने इस कदर की बल्लेबाजी की पाकिस्तान का कोई भी गेंदबाज बन न सका और इस तरह भारत ने 2 विकेट खोकर 356 रन बनाए और पाकिस्तान को जीत के लिए 357 रनों का विशाल टारगेट दिया। दोस्तों दूसरी इनिंग बस शुरू होने वाली, तो आप लोग देखना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दो। एशिया कप से जुड़ी हर एक न्यूज के जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।